नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज। भोपाल शहर के रहवासियों से देश की महिलाओं को लेकर एक अहम चर्चा नारी सम्मान को पहुंच रही है। ठेस महिलाओं के साथ हो रहा है शोषण। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइफ ओके न्यूज से। साथियों, एक बार फिर आपके सामने नई सोच के साथ, नई पहल के साथ, नई मुद्दे के साथ। तो आज हमारी टीम पहुंची है जिलों के नगरी भोपाल शहर में लेक व्यू पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं सैलानी अपने मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। वहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ उनको भोपाल में लेक व्यू पर कैसे लग रहा है, और जो यहाँ पर जो बच्चियों का अत्याचार हो रहा है उस पर भी उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। आइए। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? कीर्ति वरलानी। कीर्ति जी से हम बात करने जा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो अभी जो बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए शासन से आप क्या मांग करेंगी, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको क्या सजा मिलना चाहिए? शासन को तो वैसे बहुत सारा काम करना चाहिए लड़कियों की उसको सिक्योरिटी को लेकर के, कि उनको हर कहीं सिक्योरिटी दे। लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो लड़कियों को बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें खुद को अपने आप को इतना स्मार्ट और इतना बोल्ड बनाना चाहिए कि उन्हें किसी और की सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपनी सिक्योरिटी कर सके। वाकई में अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था कि कैंडल जलाने से नहीं कुछ होगा, लड़कियों को शस्त्र उठाने पड़ेंगे, और अब वो टाइम आ गया है कि हमें शस्त्र उठाने चाहिए। बहुत सारी जैसा कि मैडम ने कहा कि आप शस्त्र उठाना पड़ेगा, और हमारी बच्चियों को डरना नहीं है, आगे निकलना है, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ेंगी तो देश का भविष्य कैसे बनेंगी। फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं, एक मैडम और हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति वरला। ज्योति जी से जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इन बच्चियों के बारे में, और जो अत्याचार हो उसके बारे में। बिल्कुल, ये लड़कियों के साथ बहुत गंदी बात हो रही है, और हमारे देश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए शासन को तो बहुत कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस देश में रह रहे हैं वहीं सेफ नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो शासन को कड़े कदम उठाने चाहिए, और लड़कियों को खुद भी बोल्ड होना चाहिए। उनको बचपन से ही परिवार में ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहे। देखिए, एक तरफ तो हम नारे लगा रहे हैं कि नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारी बहन बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैडम ने बताया कि उनको स्ट्रांग होना है, शुरू से हमें ऐसी तरबियत देना है कि वो बेखौफ निकलें घर से और पढ़ाई लिखा करें। अच्छा, इसके लिए आप एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि इनको किस तरह की सजा देना चाहिए, क्या मांग करेंगे आप शासन पे? ऐसे लोगों को सीधा फांसी पे चढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा फांसी पे चढ़ा दो। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं, पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में कई अच्छे लोग फंस जाते हैं, वो पूरी तरह से जांच परख करके, और उनको पूरा मतलब उनके साथ न्याय होना चाहिए, लड़कियों के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए, और अच्छी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल सही कहा मैडम ने, जैसा कि छानबीन करने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। ऐसे दरिंदों को जो हैवानियत के हद पार कर बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको तो बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, उससे लड़कियों का खौफ भी निकलेगा, और जो दरिंदे ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी मौत देकर उनका भी जो है क्राइम करने से खौफ पैदा होगा। तो आइए अब हम आपको और लोगों से मिलवाते हैं। तो आइए अब हम जोड़ते हैं भाई से। हेलो सर, क्या नाम है आपका? नितेंद्र कुमार। नितेंद्र कुमार जी, आपका? निकेत कुमार। तो नितेंद्र कुमार जी से जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं जो आज बहन बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बहन बेटी जो सुरक्षित नहीं है, और ऐसे धरनों के लिए क्या सजा की मांग करेंगे आप? उसके लिए तो एक ही सजा है कि उनको सजा मौत दी जानी चाहिए। जी जी सर। और बहन बेटी की सुरक्षित के लिए, बहन सुरक्षित, सरकार को कुछ करना चाहिए, कोई कदम उठाए, कोई ऐप लॉन्च करे, कुछ भी करे, जिससे अगर कुछ भी ऐसी होती है तो बहन बेटी उसको कर सके, कुछ भी सब कदम उठाए। सही काम। देखिए, अपनी राय रखी भाई ने, हमने बताया अभी हमारी टीम पहुंची है लेक व्यू पर, जहाँ पर बहुत सारे सैलानी मौजूद है। देखिए, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर अगर वो हमसे बात करते हैं ना, हमसे जानना चाहेंगे कि जो आज बहन बेटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो होना ही नहीं चाहिए ना, क्या क्यों होता है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्यों इसके लिए सरकार को क्या इंतजाम करना चाहिए कि अपनी बहन बेटी सेफ रहे, आगे पढ़े लिखे, शिक्षा प्राप्त करे? गवर्नमेंट कितना भी स्टेप ले, हमें तो आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक एक आदमी को नहीं समझा सकती, हमें तो एजुकेट होकर डिसिप्लिन में रहना चाहिए। देखिए, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी कि अपनी बेटी को भी स्ट्रांग करना चाहिए, आपने यही कहा कि अपनी बहन बेटी को भी स्ट्रांग बनाए, और फिर गवर्नमेंट भी सेफ्टी करे। अगर कोई दरिंदा ये करता है हैवानियत, तो उसके लिए क्या मांग करेंगे सरकार से आपको? हाँ, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। जी जी। और विद इन द वन वीक दे दो, विद इन द वन वीक या टू वीक में उसके जो भी सजा है। जी जी, वो दे दो। बहुत अच्छी बात। देखिए सर ने बहुत सही कहा कि उनको सजा सख्त से सख्त मिलना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर। इंडिया में ऐसे क्राइम चाइल्ड रेपिस्ट, यू टॉक
Bishop? Actually, in India, we know that it's a very highly placed country in the world. Yes. There's a lot of ancient history and culture. And we have respect for children, aged people, all categories of people. Yeah, yeah. But off late, because of this involvement of a lot of youngsters who are connected with drug mafia and all, no? Child abuse and child rape and such things, crime against children are increasing, and it's to a large extent the government is trying to control it, but due to various reasons, political interference and things like that, they are unable to control these things. Yeah, yeah. However, our present the government is taking a lot of action in this direction, and let us hope that things will improve in the coming days. Thank you. Your name, sir? Haridas. हरिदास जी न्यूयॉर्क से हमें जुड़े थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी जो आज हमारे भारत में बच्चियों के साथ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस को कितना सख्त होना चाहिए और अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि ऐसे केस ना हो, और अगर कैसे हो गए तो इनको सीधा मृत कर देना चाहिए। अब हम जुड़ते हैं, अगर बात करते हैं हमसे तो भाई, हेलो मैम, ये जो आज अत्याचार चल रहा है बहन बेटी के साथ, तो इसके लिए आप क्या सेफ्टी होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे और दरिंदे के लिए क्या मांग करेंगे सर? के लिए इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। हां, नाउ डेज द गर्ल्स एंड लेडीज आर मोलेस्टेड इन द स्ट्रीट्स एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग स्ट्रिंजेंट एक्शंस एंड वी रिक्वायर दैट फॉर द वेलबींग ऑफ द लेडीज एंड गर्ल्स ऑफ ओके जी सर, थैंक यू। सर ने कहाँ से? हम केरला से। केरला से ये पूरा ग्रुप केरला से है, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी जो आज हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए उसके लिए क्या सरकार कर रही है, तो आपने हमारी प्रतिक्रिया रखी। अब हम पढ़ यू नेम चंद्रिका, चंद्रिका जी से बात करते हैं हिंदी में, कि हम उनको पूछते हैं कि आज भारत में बेटी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? नुकसान हो रहा है बेटी को, उसको ठीक से पढ़ाई करना पड़ेगा। जी जी, या एजुकेशन अच्छी तरह हुआ तो वो ब्रेव होता है, अपने आप लाइफ में कुछ कर सकेगा और सक्सेसफुल रहेगा। एजुकेशन ले, स्ट्रांग हो अपने आप को, और अपन गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई दरिंदा ऐसा कर देता है तो उसको किस तरह की सजा दे, गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे अपन? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को तो खुद मालूम है क्या करने का, वो सही करना पड़ेगा, वो सही करेगा डिसीजन, अच्छा रहेगा। फिर ऐसे केसेस ना हो उसके लिए सख्त इंतजाम होना चाहिए या नहीं? उसको तो जो जो चाहिए वो करना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो जो ठीक है वो करने का, राइट? अगर कोई दरिंदा हैवानियत में नशे में किसी बहन बेटे को नुकसान पहुंचा देता है तो सरकार को उसको क्या सजा देना तो चाहिए? बहुत बहुत कड़ी पनिशमेंट देना, कड़ी पनिशमेंट, सबसे सख्त सजा देना। जी बोलिए। वो कड़ी से कड़ी सजा बोलेगी तो उसको क्या है, उसको जेल में बिठाने का वही करना पड़ेगा। जी जी जी, उसको 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 मालूम करना पड़ेगा इससे क्या होता है, एक को पनिशमेंट मिलेगी तो दूसरा ऐसा सजा नहीं करने को होगा। जी जी, राइट राइट राइट। मैम ने बताया कि अगर कड़ी से कड़ी सजा दी, 20 चौराहे पे उसको फांसी दी गई, तो कोई भी दरिंदा ऐसी हैवानियत करने की पहले 10 बार सोचेगा। तो चलिए जोड़ते हैं आप और आगे भाई, थैंक यू। चलिए अब हम जुड़ते हैं यहाँ पर कुछ महिलाओं से, हमारे सामने कुछ मौजूद है गर्ल्स। हेलो, क्या नाम है आपका? स्वाति। आपका? शुभांगी। तो शुभांगी जी, स्वाति से जुड़ी हुई हमसे, उनसे जानते हैं कि आज बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और उनको उसका क्या सजा देना चाहिए? जी मैम बोलिए। आप यही कदम उठाना चाहिए कि जब हॉस्पिटल में वो लोग ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, जब वो रक्षा करने वाले ही, रक्षा करने वाले ही सब नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो कैसे करेंगे? सही कहा, आप अपनी राय रखिए। अगर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है और अदर जगह भी कहीं भी पब्लिक सेफ नहीं है तो इसलिए उन लोग को तो फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, और 24/7 इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए, 24/7 कहीं भी हो वो सेफ रहे।
बिल्कुल सही ना। अच्छा इसका क्या असर हो रहा है पब्लिक पे और गर्ल्स पे, जो खौफ कर रही है तो खौफ करके घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो फिर एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगी? तो उनका डर निकालने के लिए उनको सख्त सख्त सजा देना चाहिए ताकि बेखौफ होकर लड़की पढ़ने जाए, पढ़ने आए, अपनी ड्यूटी करे। और कुछ राय रखना चाहिए आप? थैंक यू। तो साथियों जोड़ते हैं हमारे भाई से, सर क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर भाई से बात करते हैं कि आज जो बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी सेफ नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए सरकार से क्या सख्त कदम उठाना का मांग करेंगे, क्या सजा की मांग करेंगे? सजा मिलनी चाहिए अपराधियों को जी, जो गलत करते हैं, बहन बेटी सेफ नहीं है जी जी। इस वजह से क्या है कि लोग अपराधी भी खुले घूमते हैं, लोगों को, इन लोग जो अपराध करें उनको सजा मिलना चाहिए। तो अपराधी जो हैं खुलेआम घूमते हैं, बेखौफ घूमते हैं और लड़कियां जो खौफ खा रही हैं, तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हर दमोज होना चाहिए अपराधियों की, उनको सजा मिलना चाहिए, उनकी माँ बहनों की देख रेख होना चाहिए, पुलिस प्रशिक्षण बहुत अच्छी है, संविधान भी बहुत अच्छा है अपना, ऐसा नहीं है कि संविधान अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। जी जी, जैसा कि भाई ने बताया और हमने बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आपके सामने रखी साथियों, तो अब हम लाइफ ओके के माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदों को सजाए मौत दी जाए ताकि मुजरिम जुर्म करने से पहले सोचे। मैं सईद खान लाइफ ओके न्यूज़ से, कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ, जय हिंद जय भारत।